मुझे प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ये ऑब्जेक्शन बहुत हैंडल करनी पड़ती होगी कि क्या मुझे प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं उन सब लोगों से कहना चाहूंगा जिनके मन में ये सवाल आता है कि क्या मुझे कुछ बेचना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, चाहे आप एक जॉब कर रहे हैं, पहले जॉब को ले लेते हैं। जॉब वाला पर्सन क्या करता है, वो अपना वक्त बेचता है, वक्त बेचता है और पैसा कमाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की बात कर लेते हैं, जो लोग वकील हैं, जो लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो कि प्रोफेशनल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने स्किल्स बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। इट मीन्स वो भी कुछ बेच रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एक छोटे से शॉपकीपर या एक बिजनेसमैन, जिसको वो समझते हैं कि हम बिजनेसमैन हैं बट वो शॉपकीपर्स हैं, लेट इट बी। बट शॉपकीपर्स क्या कर रहे हैं, वो पैसा कैसे कमा रहे हैं, वो कुछ ना कुछ अपनी दुकान से प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तभी पैसा आता है। तो बेच तो माय डियर फ्रेंड्स सब लोग रहे हैं। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बिजनेस है, तो यहाँ पर अगर प्रोडक्ट इन्वॉल्व है इट मीन्स ये एक प्रॉपर बिजनेस है, अदरवाइज ये सिर्फ स्कीम है। सो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे, बिल्कुल हाँ बेचने पड़ते हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग एक साइंटिफिक मॉडल है प्रोडक्ट्स को चैनलाइज करने का। जिस तरीके से प्रोडक्ट आपके घर तक चैनलाइज होके एक चेन सिस्टम के थ्रू आता है, अभी भी आप सुबह उठ के अपने घरों में प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होंगे। आप पेस्ट यूज करते हैं, आप सोप यूज करते हैं, आप शैम्पू यूज करते हैं, आप अपनी किचन के अंदर चाय को यूज करते हैं, टी बैग्स लेके आते हैं। बट ये सारी की सारी शॉपिंग आप कहाँ से करते हो, आप मार्केट एक रिटेल शॉप से करते हो। रिटेल शॉप भी घर में नहीं बनाता, वो होलसेलर से लाता है। होलसेलर घर नहीं बनाता, वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी घर नहीं बनाता, वो एक मैन्युफैक्चरर से लाता है। सो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट आप तक पहुंचने का ये जो चेन सिस्टम है, उसके थ्रू प्रोडक्ट आपके घर में आता है। बट अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ एक फर्क है, जिस फर्क को Amazon समझ गया, जिस फर्क को Snapdeal समझ गया, Flipkart समझ गया, और ये दुनिया के अमीर लोगों में शुमार हो गए। इन्होंने ये मिडलमैन सिस्टम को हटा दिया और प्रोडक्ट को डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचाना शुरू कर दिया। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग भी एक सेम बिजनेस है, जिसके अंदर एक कस्टमर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से जुड़कर अपनी जरूरतों के सामान को घर तक पहुंचाता है। यानी कि आप ऑनलाइन मैन्युफैक्चरर से जुड़कर अपने डेली यूज के प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर अपने घर तक पहुंचाते हैं। सो अगर ओवरऑल पिक्चर से देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स बेचा नहीं जाता, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करते ही आप प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट करते हैं, जो कि पहले आप रिटेल शॉप से लाके यूज करते थे। सो अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप ज्वाइन करते हैं तो प्रोडक्ट्स बेचना पड़ेगा, ये मिथ अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक साइंटिफिक मॉडल है जिसके थ्रू एक कंज्यूमर फोरम बनाकर हम प्रोडक्ट्स को चैनलाइज करते हैं। अब जिस तरीके से आप अपने घरों में रिटेल शॉप से सामान ला रहे हैं, आपका पूरा फ्रेंड सर्कल, आपका पूरा रिलेटिव्स का सर्कल, आपके पूरे नॉन जोन में जितने लोग हैं, वो सारे के सारे भी रिटेल शॉप से ही प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। बट अगर आप उनको नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोजेक्ट या किसी कंपनी से जब जोड़ते हैं, तो सिंपल वो अपनी एक शॉप चेंज करते हैं। वो अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल शॉप से ना लाकर आपकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करना स्टार्ट करते हैं। अब उससे होता क्या है, उससे टर्नओवर जनरेट होती है। मान लीजिए आपने 100 लोगों की शॉप चेंज करवा दी, पहले अपनी कर ली और फिर 100 लोगों की भी करवा दी, कोई नया काम तो नहीं है। अब ये शॉप चेंज करने के बाद हम प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, कोई नया काम नहीं है जो पहले हम बाजार से करते थे। तो जब आप न्यू शॉप से प्रोडक्ट लेंगे तो आपके लाई गई द्वारा 100 फैमिलीज के थ्रू जो टर्नओवर कंपनी का जनरेट होगा, उसके ऊपर कंपनी आपको प्रॉफिट्स देना शुरू कर देती है, जो कि पहले भी रिटेल शॉप पे होता था। पहले भी आप लोग अपने फ्रेंड्स, नियर्स एंड डियर्स को रिकमेंडेशन करते थे और आप ही की रिकमेंडेशन से कोई ना कोई प्रोडक्ट जाकर रिटेल शॉप से खरीदते थे, या आप ही की रिकमेंडेशन पे वो मूवी देख के आते थे, या आप ही की रिकमेंडेशन से वो किसी डॉक्टर के पास जाते थे। सो हम ही लोग हैं जो हम नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं दूसरों के लिए। अब यही चीज को हम अपने लिए करेंगे, इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। सो आई होप आपका यह डाउट क्लियर हुआ होगा कि आपको प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे। नो माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स यूज करने का बिजनेस है और एक साइंटिफिक मॉडल से प्रोडक्ट्स को चैनलाइज करने का बिजनेस है, राइट? सो आई होप आपका यह डाउट क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ऑब्जेक्शन के साथ। टिल देन, अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, बेल आइकन को हिट करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि इस तरीके के टेक्निक्स, टिप्स और नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।